शिया सेंटर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक चिट्ठी लिखी है कि 9 मस्जिदें ऐसी हैं जिसको जो पहले मंदिर थे उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है और वो दोबारा हिंदुओं को वापस कर दी जाए। इस पूरे मसले पर मौजूद करने वहां से मौजूद हैं बात करने के लिए बाबरी मस्जिद अच्छी कमेटी के दफा जिलानी साहब। जिलानी साहब, एक चिट्ठी लिखी गई मुस्लिम पसला बोर्ड को कि वापस कर देना चाहिए 9 मस्जिदें बताई जिसमें अयोध्या भी है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अयोध्या का मामला तो सेपरेट है, वो एग्जेम्प्टेड है, वरना बाकी सब मस्जिदें हिंदुस्तान की और मंदिर और दीगर रिलीजियस प्लेसेस ये सब एक एक्ट पार्लियामेंट से पास होकर उसके तहत कवर्ड हैं। आपने कहा आप चिट्ठी आपको मिल जाती है, वो चिट्ठी आप फॉरवर्ड कर देंगे एसएसपी को, किस पर गौर फरमाए कानून के लिए? एक्ट कहता है कि अफेंस है और पुलिस जो है वो हर दौर में इस पर खामोश रही है। पिछले दौर में तो कोई बोलता नहीं था, वरना हो सकता उस जमाने में कार्रवाई हो जाती, लेकिन अब इस वक्त तो जाहिर कार्रवाई करे ना करे, लेकिन हम तो एप्लीकेशन भेजेंगे कि ये एक अफेंस है और अफेंस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर एक बार तक केस दर्ज हो जाए तो शायद फिर दूसरे लोग बोलते हुए डरे। तो लेकिन दूसरी बात होती है कि जो चिट्ठी आई इसकी वजह से जो कोशिशें चल रही है, श्री रविशंकर भी आज लखनऊ शहर मौजूद है, तमाम मुलाकातें भी, कोशिश तो कोई चल नहीं रही, सब बेकार की बात है, इसलिए उस पर तो मेरे को असर पड़ने का कोई कोशिश है ही नहीं। कोई मुसलमान मस्जिद को हैंडओवर करने नहीं जा रहा है, ये सिर्फ ऐसी एफर्ट है कि जो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए की जा रही, ताकि हिंदुओं में एक पोलराइजेशन कर सके, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो शीशी से करवा रहे हैं, कोशिश तो कोई नहीं। और मीडिया उसको उठा रहा है, मीडिया उसको गैर जरूरी अहमियत दे रहा है, जानते हुए भी कि कोई एफर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन मीडिया भी चूंकि बीजेपी की हिमायत कर रहा ज़्यादातर, वो भी यही कर रहा है, तो ये तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और हिंदुओं का वोट पोलराइज करने के लिए, अदरवाइज कोई कोशिश नहीं। तो आप चिट्ठी लिखेंगे एसएसपी को? खत आएगा तो जरूर लिखेंगे, खत आएगा जरूर चिट्ठी लिखी जाएगी। तो ये थे दफा अब जिलानी साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर चिट्ठी उनके हाथ में आती है तो जरूर वो खत लिखेंगे ताकि उन पर एक्शन हो सके, और जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक की ऐसी बातें उठती रहेगी। कैमरामैन गिरीश के साथ खुर्रम जामी, एपीएन लखनऊ।